एक बार एक राजा जो बड़ा मनमौजी था और बड़ा शौकीन भी था, वो अपने मुताबिक बहुत कुछ करने की कोशिश करता था क्योंकि उसको अपने पद का भी अभिमान था, राजा था वो। तो एक बार उसने अमावस्या की अंधेरी रात में सूर्य को देखने के लिए वो बेहद आतुर हो गया कि मैंने रात्रि को ही सूर्य के दर्शन करने हैं। तो राजा के जो मुनीमगण थे उन्होंने कहा, जब राजा साहब अगर आपके मन में विचार आया है तो अवश्य पूरा होगा, दुनिया में हम ऐसा आदर्श छोड़ जाएंगे ताकि भविष्य में लोग उसे चांद कहकर आपका यश गान कहेंगे, आपकी महिमा बखान करेंगे। तो ये कहकर वो जो मुनीम थे उनमें से एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी लालटेन लेके आया और आसमान की तरफ पकड़कर कहने लगा, हुजूर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको सूर्य दिखाई दे रहा है? तब बाकी दोनों ने कहा कि लालटेन की सामान्य रोशनी में सूर्य को देखा नहीं जा सकता है, 10 करोड़ मोमबत्ती की शक्ति से युक्त बिजली संग्रह करने की ऐसी व्यवस्था की जाए तब होगा। तो जमींदार की इच्छा के अनुसार वैसा ही किया गया। जब राजा ने कहा कि 10 करोड़ मोमबत्ती जलाओ एक साथ, उन शक्तियों से युक्त होकर शायद बिजली उत्पन्न होके तब हम सूर्य को देखने की व्यवस्था ऐसी हो पाए, तो एक वैज्ञानिक मित्र ने उसी प्रकार की शक्ति से युक्त बिजली की रोशनी से जमींदार को रात में सूर्य दिखाने की चेष्टा की, लेकिन वो वैज्ञानिक भी विफल हो गया। उस समय वहां पर एक बुद्धिमान एक व्यक्ति आया और राजा को बताया कि यदि राजा साहब अगर आप पृथ्वी की सारी बिजली को भी इकट्ठा कर दें तब भी रात में सूर्य को देखना संभव नहीं है, इससे केवल आपका अर्थ, आपका पैसा, आपका समय, आपकी शक्ति ही बर्बाद होगी। इसलिए अगर सूर्य को देखना है तो सूर्य उदय होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, सूर्य की रोशनी में ही सूर्य को देखा जा सकता है, इसे छोड़कर दूसरा कोई और उपाय नहीं है। तो अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा संसार में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेने से, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनने से, जो इंद्रियों के वशीभूत जो मायावादी गण हैं, मायावादी जो हमेशा माया और इन चीजों में ही, जड़ इंद्रियों के बारे में ही जो सोचते रहते हैं, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे जो मायावादी गण हैं वो कभी भी सच्चिदानंद भगवान के विग्रह का दर्शन और उनकी उपलब्धि करने की चेष्टा करते रहते हैं, वह अपने आप को धोखा ही देते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रयासों के बाद भी सूर्य को दिन में देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवों का जो जड़ इंद्रिय जो ज्ञान है, जो संसार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान द्वारा भी हम कभी भी श्री गुरु वैष्णवों के स्वरूप को नहीं देख सकते। तो जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से ही सूर्य को देखा जा सकता है, उसी तरह श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही भगवान का जो सच्चिदानंद जो रूप है, हम उस स्वरूप को जान सकते हैं। नहीं तो मायाबद्ध जीव कभी भी ना तो वो कृष्ण तत्व के विषय में जान सकता है, ना ही वो साधु वैष्णवों को जान सकता है। वो तो केवल अपनी मनमाजी, अपनी मन द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा ही वो भगवान को जानने की कोशिश करता है। तो मनुष्य की बुद्धि कैसी है? मनुष्य की बुद्धि तो, मनुष्य का जो ज्ञान है वो तो एक लोटे की तरह है, और भगवान में जो ज्ञान है वो भगवान में ज्ञान कैसा है? समुद्र के समान भगवान का ज्ञान अथाह है।
तो कैसे हम छोटी सी बुद्धि द्वारा उस भगवान को, अपनी मन बुद्धि द्वारा हम उनके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैं मन बुद्धि द्वारा भगवान को जान लूंगा, तो ये तो ऐसे हो जाता है जैसे एक लोटे में समुद्र का पानी भरो। यानी कि एक लोटे में समुद्र का पानी कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हमारी बुद्धि कैसी है? एक लोटे जैसी। तो जैसे लोटे में समुद्र नहीं आ सकता, तो क्या हमारे लोटे जैसी बुद्धि में वो इतना जो अथाह समुद्र, जो भगवत में ज्ञान है, जो भगवान का सच्चिदानंद में जो स्वरूप है, हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हम भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं? तो केवल जो भगवान में, जो हमेशा हरि गुरु वैष्णव की शरण में रहते हैं, जो व्यक्ति केवल वही उस भगवान के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं,